प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट वन बिजनेस लॉ, आज इसमें अपन बात करेंगे एजेंसी अनुबंध की। देखिए, एजेंसी अनुबंध जो है, एक नए अनुबंध के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। शुरू में पहले अपन ने इससे पहले बेलमेंट यानी निक्षेप के बारे में बात करी थी। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए कि एजेंसी अनुबंध किसे कहते हैं। देखिए, एजेंसी अनुबंध दो पक्षकारों के बीच का एक संबंध है, एक लीगल कानूनी रिलेशनशिप है दो पक्षकारों के बीच की। ये दो पक्षकार कौन कौन होते हैं? एक को तो हम नियोक्ता के नाम से जानते हैं और दूसरे पक्षकार को हम एजेंट के नाम से जानते हैं। तो नियोक्ता और एजेंट दोनों के बीच के जो कानूनी संबंध होते हैं वो ही एजेंसी कहलाते हैं। अब एजेंसी में क्या होता है कि एजेंसी का सीधा सा मतलब या तात्पर्य इस रूप में हम लगाते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसे ही हम एजेंसी के नाम से जानते हैं। पहला व्यक्ति जो दूसरे को नियुक्त कर रहा है, दूसरे को आपने अपॉइंट किया, उसको कोई काम सौंपा, तो उस व्यक्ति को हम नियोक्ता के नाम से जानते हैं। नियोक्ता जो दूसरे को यानी अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, नियोक्ता कहलाता है। और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति को हम एजेंट के नाम से जानते हैं। और नियोक्ता और एजेंट दोनों के बीच का जो ये कानूनी संबंध स्थापित हो रहा है उसे ही एजेंसी कहा जाता है। अब कानून ये कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक कार्य हैं तो वो अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना एजेंट नियुक्त करने का अधिकार रखता है। जहाँ तक एजेंट के संबंध में बात है कि कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है, तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एजेंट बनने की योग्यता रखता है। यानी एजेंट बनने के लिए ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उसमें अनुबंध करने की योग्यता हो, क्षमता हो। क्योंकि देखिए, एजेंट जो है, आगे अपन देखेंगे कि स्वयं के नाम से कोई अनुबंध या व्यवहार सौदे नहीं करता है, वो अपने नियोक्ता के लिए या नियोक्ता की ओर से कार्यवाही करता है। तो इसलिए एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक नहीं होता है। और दूसरी बात कि कौन व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है, तो उसमें कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एजेंट नियुक्त करने का अधिकार रखता है, लेकिन उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जो भी व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर रहा है वो अनुबंध करने के सक्षम हो, यानी वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि कोई भी एजेंट बन सकता है, चाहे योग्यता है या नहीं है, लेकिन जो एजेंट नियुक्त कर रहा है यानी जो उसका नियोक्ता है, जिसको अंग्रेजी में अपन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, उसमें अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी है, आवश्यक है। जहां तक एजेंसी अनुबंध में प्रतिफल की बात है, देखिए, वैसे तो अपन ने पढ़ा है कि सामान्य अनुबंध में प्रतिफल का होना जरूरी होता है, यानी बिना प्रतिफल के वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन एजेंसी अनुबंध जो है वो इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका तात्पर्य यह है कि एजेंसी अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, यानी बिना प्रतिफल के भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है। लेकिन एजेंसी में प्रतिफल है या नहीं है, एजेंट के कर्तव्यों पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है।
यानी एजेंट जो है वो ये कहकर बच नहीं सकता है, या वो ये कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि साहब मुझे तो प्रतिफल नहीं मिलता है, तो इसलिए वो कार्य के प्रति लापरवाही बरते या कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाए। यानी एजेंट को प्रतिफल मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन उसको अपना कार्य पूरी ईमानदारी, चतुराई, मेहनत, लगन उसी से संपन्न करना होता है। तो ये एजेंसी अनुबंध की एक तरह से इसका मीनिंग हुआ, इसका अर्थ हुआ कि एजेंसी क्या है। तो दो पक्षकारों का बीच वैधानिक संबंध, दो पक्षकार कौन, नियोक्ता यानी जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं और एजेंट। तो जो व्यक्ति दूसरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरे की ओर से व्यवहार कर रहा है, दूसरे के नाम से व्यवहार कर रहा है, एजेंट है, और वो जिसकी ओर से कार्य कर रहा है, जिसकी ओर से व्यवहार कर रहा है, वो नियोक्ता है। तो दोनों के वैधानिक संबंध, कानूनी संबंध एजेंसी कहलाते हैं। अब एजेंसी की स्थापना कैसे होती है, तो उसमें देखिए स्थापना के चार पांच तरीके बताए गए हैं कि एजेंसी किन किन तरीकों से स्थापित हो सकती है। तो पहला इसका तरीका जो है वो है स्पष्ट अधिकारों के द्वारा एजेंसी की स्थापना। यानी स्पष्ट अधिकारों के द्वारा एजेंसी की स्थापना से तात्पर्य यह है कि जब आप सीधे सीधे किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, उसको कार्य सौंप रहे हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए आप उसको अधिकार प्रदान कर रहे हैं, यानी हमको बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से ये पता लग रहा है कि ये व्यक्ति एजेंट है और ये व्यक्ति इसका नियोक्ता है। एक व्यक्ति अपना मकान बेचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार सौंपता है कि आप इस मेरे मकान को बिकवाइए, तो देखिए जिस व्यक्ति ने नियुक्त किया वो नियोक्ता हो गया, और जिस व्यक्ति या जिस दलाल को आपने मकान बेचने की जिम्मेदारी सौंपी वो उसका एजेंट हो गया। यानी अब एजेंट जो है, यानी मकान बेचने का जो दलाल है, वो किसके बिहाफ पर काम कर रहा है, मकान मालिक के बिहाफ पर उसके लिए वो कार्य संपन्न कर रहा है। उस कार्य में जो भी फायदा नुकसान, यानी मकान बेचने में जो भी फायदा नुकसान होगा वो नियोक्ता का होगा, यानी मकान मालिक का होगा। एजेंट तो अपना काम कर रहा है, उसको उसका जो भी पारिश्रमिक है, शुल्क है, वो उसको प्राप्त होगा अनुबंध के अनुसार। तो एजेंसी की स्थापना का पहला तरीका तो यही हुआ कि आप सीधे सीधे दूसरे व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप में अधिकार प्रदान कर रहे हैं, कार्य सौंप रहे हैं, और वो व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों का निष्पादन कर रहा है। दूसरा एजेंसी की स्थापना का तरीका ये होता है कि गर्भित अधिकार के द्वारा एजेंसी की स्थापना। गर्भित अधिकार से मतलब ये है कि इसमें देखिए आपने दूसरे पक्षकार को कार्य सौंपा है, कार्य करने के लिए उसको अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन उसका स्वरूप जो है वो वैसा नहीं है जैसा कि स्पष्ट अधिकारों में अपन ने देखा है, लेकिन पक्षकारों के व्यवहार, कार्य करने की प्रकृति उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये नियोक्ता के रूप में काम कर रहा है और ये व्यक्ति जो है वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। यानी परिस्थितियां, वातावरण हमको ये स्पष्ट करता है, बतलाता है कि ये व्यक्ति नियोक्ता है और ये एजेंट है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए आप कि एक व्यक्ति जो है मान लीजिए वो दिल्ली में रहता है और उसका एक मकान जो है वो जयपुर में भी है, जयपुर में उसका एक छोटा भाई भी रहता है जो अन्य दूसरे मकान में रहता है। तो देखिए बड़ा भाई जो है उसने अपना जयपुर का मकान किराए पर दे रखा है, अब किराएदार से संपर्क करना, किराएदार से मकान का हिसाब किताब करना, किराया वसूल करना आदि, ये सारा काम कौन देख रहा है, छोटा भाई जो स्वयं जयपुर में रह रहा है वो इस कार्य को देख रहा है, क्योंकि बड़ा भाई जो है वो दिल्ली में है, आने जाने में दिक्कत है, छोटा भाई लोकल उसी शहर में है तो वो ये सारी व्यवस्था करता है। तो यहाँ देखिए कोई बड़े भाई ने छोटे भाई को स्पष्ट रूप से कोई अधिकार नहीं दिया है,
लेकिन फिर भी परिस्थितियां हमको ये बतला रही हैं कि छोटा भाई जो है वो एक तरह से अपने बड़े भाई के लिए एजेंट का काम कर रहा है। देखिए स्पष्ट में तो आपने सीधे सीधे दूसरे को अधिकार दिए, लेकिन यहाँ आप सीधे सीधे दूसरे को अधिकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि परिस्थितियां हमको ये बतला रही हैं कि जैसे मानो एक ने दूसरे को कार्य करने के लिए अधिकार दे रखा है, तो ये क्या हुआ, ये गर्भित अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना। अब तीसरा एजेंसी की स्थापना का जो तरीका है वो ये बताया गया है कि पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी, यानी एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी क्या है कि देखिए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई काम कर लेता है, यानी आपने बिना दूसरे के कहे कोई काम किया, उस कार्य को करने के लिए आप जिम्मेदार भी नहीं थे, उत्तरदायी भी नहीं थे, यानी वो कार्य करना आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपने वो काम किया और वो कार्य दूसरे पक्षकार के लिए किया गया है, और बाद में दूसरा पक्षकार उस कार्य को स्वीकार कर लेता है, उसको मान्यता दे देता है या उसकी पुष्टि कर देता है। तो यहाँ जो एजेंसी की स्थापना हो रही है ये पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी की स्थापना है। जैसे इसको भी आप उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप घूमने के लिए आगरा जाते हैं और आगरा से लौटते समय आप अपने लिए भी आगरा की मिठाई पेठा खरीद कर लाए और आप अपने पड़ोसी के लिए भी एक पैकेट खरीद लाए, हालांकि पड़ोसी ने आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर भी आप खरीद लाए। घर आकर आपने पड़ोसी को मिठाई का डिब्बा दे दिया, पेठे का डिब्बा दे दिया, और पड़ोसी ने आपको धन्यवाद भी दिया और उसकी कीमत आपको दे दी। तो देखिए आप पड़ोसी के लिए ये जो सामान लाए, मिठाई लाए, या यहाँ पर आपका रोल जो है वो एक एजेंट के रूप में हो गया है। हालांकि पड़ोसी ने आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने वो कार्य किया जिसको पड़ोसी ने बाद में स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एजेंट के रूप में काम कर रहे थे और आपका पड़ोसी जो है वो नियोक्ता के रूप में काम कर रहा था। तो ये पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी स्थापित हो जाती है। अगला एजेंसी की स्थापना का तरीका जो है वो ये होता है कि आवश्यकता द्वारा या प्रदर्शन द्वारा, या जिसको अपन अंग्रेजी में एजेंसी बाय एस्टोपल के नाम से जानते हैं, वो भी एजेंसी की स्थापना का एक तरीका होता है। देखिए प्रदर्शन द्वारा साझेदारी की भी स्थापना हो सकती है, उसी तरह से ठीक एजेंसी की भी स्थापना होती है। प्रदर्शन द्वारा एजेंसी की स्थापना का तात्पर्य यह है कि देखिए कोई व्यक्ति जब इस प्रकार का प्रदर्शन करता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई दूसरा व्यक्ति उसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जबकि वास्तव में वो उसका एजेंट नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति का प्रदर्शन ऐसा है और उस प्रदर्शन के आधार पर ही कोई व्यक्ति ये विश्वास कर लेता है, मान लेता है कि ये व्यक्ति एजेंट है और ये व्यक्ति इसका नियोक्ता है, और वो फिर इस प्रकार के एजेंट के साथ कोई सौदा या व्यवहार कर लेता है। तो जो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है, यानी जो एक तरह से अपने आप को नियोक्ता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वो व्यक्ति जो है वो उस कार्य के लिए उत्तरदायी हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है, और ये ही प्रदर्शन द्वारा एजेंसी है। यानी कोई व्यक्ति आपका एजेंट नहीं है पहली बात, लेकिन आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मेरा एजेंट है दूसरी बात, और आपके इस प्रदर्शन के आधार पर कोई व्यक्ति इस प्रकार के एजेंट के साथ सौदा कर रहा है तीसरी बात, तो आप उस सौदे के लिए जिम्मेदार हैं, यानी आप उस सौदे के लिए नियोक्ता माने जाएंगे। ये प्रदर्शन द्वारा एजेंसी होती है। और एक एजेंसी की स्थापना का तरीका होता है आवश्यकता द्वारा एजेंसी। आवश्यकता द्वारा एजेंसी या एजेंसी बाय नेसेसिटी,
इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि कई बार क्या है कि कोई मजबूरी आपकी ऐसी हो जाती है कि आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध ही नहीं होता है और आपको कोई कार्य संपन्न करना पड़ता है। तो जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वहां आप दूसरे पक्षकार के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो ये आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहलाती है। क्योंकि कई बार इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते हैं और उस परिस्थिति में हमको कोई कार्य करना होता है, निर्णय लेना होता है, और वो कार्य निर्णय जो है वो दूसरे पक्षकार के लिए है। तो यहाँ जो एजेंसी स्थापित हो रही है वो आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहलाती है। तो ये एजेंसी की स्थापना के कुछ तरीके होते हैं।